नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ दीपिका। सना मकबूल और विशाल दे रहे हैं लव को एडवाइस, और वो भी अरमान को लेकर। क्या है वो एडवाइस, चलिए आपको बताएंगे। वेल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि सारी की सारी लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचे जल्द से जल्द। विशाल को यहाँ पर अदनान ने ये भी कहा था कि लव ने उसका इस्तेमाल किया है, भाईचारा जैसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में लव ने कहा था कि मैं तो रैपट मार देता, इसीलिए अरमान ने भी हाथ छोड़ दिया। इस चीज के बाद भी विशाल जो है लवकेश के साथ बने हुए हैं, उनको लगता है कि इनकी दोस्ती ज्यादा गहरी है और वो अदनान से भी बात कर रहे हैं। लेकिन अरमान के साथ सना मकबूल का पंगा चल रहा है, और विशाल पांडे के साथ तो ऑलरेडी क्लैशेस हो चुके हैं। अब भले ही उन्होंने माफी भी मांग ली हो अरमान मलिक ने, लेकिन चीजें सॉर्ट आउट नहीं हुई है, दिल में कहीं ना कहीं खटास है दोनों के ही। अब ऐसे में सना मकबूल के साथ भी पंगा हुआ अरमान का, तो लवकेश को एडवाइस देते हुए नजर आ रहे हैं दोनों के दोनों। विशाल और सना ने, मकबूल ने वॉर्न किया है लवकेश को ये कहते हुए कि भैया दूर रहो अरमान मलिक से, अरमान मलिक के आगे कोई भी बात मत बोलो, क्योंकि लवकेश फ्रीली कुछ भी बोल रहे हैं और अरमान मलिक उसे सुन रहे हैं। तो सना मकबूल और विशाल ने एडवाइस दी है लवकेश को कि फ्रीली मत बोलो, क्योंकि वो उन चीजों को अलग तरीके से ट्रीट करता है और बाद में फिर वो चीजें बोलता है घुमा फिरा कर, फिर वो टारगेट भी करता है। तो ये एडवाइस दोनों की तरफ से मिली है लवकेश को, और जिस तरीके से वो फ्रीली बोल रहे हैं उस पर लगाम लगाने की कोशिश की है, ताकि वो इतना फ्रीली नहीं बोले और अरमान को कोई मौका ना मिले, क्योंकि अरमान की पूरी कोशिश है उस ग्रुप को घेरने की और अरमान की नजर भी उस ग्रुप में है, क्योंकि सना मकबूल से उनकी बन नहीं रही है, विशाल के साथ पंगा है, लवकेश के साथ भी चीजें सही नहीं चल रही है, तो इसीलिए एडवाइस दी गई है।